爷爷，瞧，这个脸。खूब सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा अभी मैं आया था अपने नए वाले घर पे झाड़ू वाड़ू लगाने, यहाँ पे कई सारे कट्टे बिखरे हुए हैं, माइंड मत करना, गेहूं के कट्टे हैं। और ये बाहर पे मम्मी गेहूं साफ कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी गेहूं साफ कर रही है और यहाँ पे मेरी गाड़ी है, इसको मस्त धोना है और उसके बाद इसमें मस्त पॉलिश लगाना है। मैं इसके लिए पॉलिश लेके आया था कल, मैपले ऑल इन वन पॉलिश। तो अभी चेक करेंगे इसकी क्वालिटी, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ओपन करके खाली देखा है। अभी इसका दोबारा से रीओपन करते हैं इसको और आपको भी दिखाते हैं, पहले गाड़ी धोते फटाफट। ये लो हमारी गाड़ी भी धुल गई और सामने में मेरा काम चल रहा है और मैंने कपड़ा भी धो दिया है जिसमें गाड़ी साफ़ कर रहा था। तो दोस्तों अभी हो रहा है मेरा नाश्ता, नाश्ते में भटूरे, जो कल हमारा मैदा बच गया था समोसे से, तो उसी के हमने सुबह भटूरे बनाए हैं, प्लस हमारे पास है चटनी। तो दोस्तों अभी मैं घर से सीधा आया हूँ बुआ लोग के खेत पे। दरअसल इधर बुआ लोग के सभी जितने भी खेत हैं वो सब में ट्रैक्टर दौड़ाना है, तो अभी हमारा काम जो है प्रोग्रेस में है। ये सामने है बुआ लोग का घर और यहाँ पे बड़ा सा जियो का टावर ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर चल रही है खेती। चाचा चला रहे अभी ट्रैक्टर, अभी से पहले मैंने चलाया था इस वाले खेत पे, नीचे वाले खेत पे। तो ये करी खिलाड़ी, और ये हमारा पॉलिश। कीला गीला सा लग रहा है यार, लीक तो नहीं हो रहा, लीक तो नहीं हो रहा। ये है मैपले, मैपले का है ऑल इन वन पॉलिश, डैशबोर्ड बॉडी एंड टाइप्स, ओके किसी में भी लगा सकते हो। तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे। ये देखो गाड़ी मैंने पूरी चमका दी पॉलिश से, अभी कुछ लग रही है यार मस्त, अभी कुछ शाइन मार रही है गाड़ी, वाह। दे बैग दे, खोल दे इसको ना, इसकी कैप वगैरह इसी में रखी है। ठीक है ठीक है, चल 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 चल। तो सतानी क्यों कर रहा था? तो दोस्तों अभी मैं ले आया हूँ बच्चों को, और जब मतलब मैं स्कूल में गया मन्नू के क्लास के बाहर पे, मन्नू अंदर इतनी शैतानी कर रहा था ना, मुंह पे पानी डाल के बेंच पे डाल रहा था, तो जैसे मैंने कैमरा ऑन किया उसने मुझे देख लिया और मेरे तो कहा गया।
बैग अंदर रखा है, अंदर जाके ना। तो अभी जैन खा रहा है खाना और मैं लूंगा दही के मजे। तो दोस्तों अभी दिन के बज रहे हैं 2 और अभी मैं जा रहा हूँ टीट बाज़ार। टीट बाज़ार जैसे इसलिए क्योंकि हम लगा रहे हैं अपने, ये जो मेरे पीछे जो रूम है इसमें हमने टाइल नहीं लगाए थे, जब हमने मकान सेट किया था हमने इसमें टाइल नहीं लगाए थे, तो अब हम लगा रहे टाइल। तो उसके लिए हमें सेम मैच का टाइल देखना पड़ेगा, एक जो उस वाले इस वाले रूम पर जो टाइल लगे हुए हैं वही वाले सेम हम इस पर लगाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ टाइल देखने के लिए, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है अभी ले आएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर 2-4 दिन में देखेंगे। तो अभी हमने अपने टाइल वगैरह सब सेलेक्ट कर लिए हैं। हमने सेलेक्ट किया है दरअसल ये वाला टाइल और यहाँ पे लोडिंग चल गई है अभी से। इधर दिखाते हैं आपको गोदाम, यह पूरा गोदाम, बस टाइल ही टाइल मिलेंगी इधर और पेंट वगैरह। सिंपल डिजाइन मिल पहली होगा दी दोनों मेरे को रूम में इधर डाल दूंगा, ये रूम में डाल दूंगा मेरे को सब रूम में डाल दूंगा मेरे को, अगर तुमको ये पसंद हो तो पढ़ाई। मालिक साहब बता रहे हैं आपको अच्छे से देखो क्या आप भी। कौन सी गुफा में बड़ा है यार ये नोएला, आराम से यही है। अच्छा चलो ले आओ। तो हमारी गाड़ी अभी फुल पैक हो चुकी है, अभी चलते सीधे घर को, अब इसको अनलोड करेंगे घर में। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने वाली रोड पे, अभी गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आएगी तो फटाक से फिर टाइल वगैरह सब उतार। तो यह हिम्मू स्कूटी में छेड़खानी कर रहा है, क्या बोलूँ मैं इसको भी कुछ नहीं बोलता हूँ। तो अभी गाड़ी आई नहीं है, अभी पिकअप आएगी तो फटाफट से यहीं पे उतारेंगे सब सामान और बाद में मम्मी लोग जो भी आएंगे सब यहीं से ले जाएंगे। गाइस ये आई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पेटी टाइल प्लस 3 कट्टे सीमेंट। दोस्तों अभी मैं गाड़ी ऊपर ले आया हूँ और साथ ही एक सीमेंट का कट्टा भी, सीमेंट का कट्टा मैं इसी में लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा भारी होते हैं इसी वजह से। अभी इसको अनलोड करते हैं, जैसे मम्मी लोग लेके आ रहे हैं टाइल अभी। क्या हुआ अभी सो के उठ रहा है? दशा देखो कैसे हो गए हाथ सीमेंट से कपड़े, आज मैंने नहाया था और आज ही ऐसे काम होने था। देखो क्या ये टाइल सब में चार चार है ना। हाँ ये टाइल इधर लगाएंगे अंदर वाले कमरे पे, 11 पीस है पूरे, 11 पेटी। तो दोस्तों अभी हमारे सभी टाइल आ चुके हैं और गाड़ी मैंने दोबारा धो के मस्त छुप दी अभी ताकि धूल वगैरह ना बैठे। टाइल हमने अच्छे से कवर कर दिए यहाँ पे और आज मैंने ट्रैक्टर भी धो दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ से पूरी मिट्टी निकाल ली है और उसको भी साफ़ कर दिया मस्त। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन उतना अच्छा नहीं गया बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, मेरे तो बैक में भी पेन हो रहा है इधर पीठ पे, पता नहीं क्यों, शायद वो टाइल जो हम लेके आए थे उसको अनलोड करने में बहुत ज़्यादा थक गया, इस वजह से हाथ में भी दर्द हो रही है। तो पूरे 11 पेटी हम लेके आए, हमने जैसे अपने एक कमरा हमारा छोटा था जिसमें हमने टाइल नहीं लगाए थे तो उसमें भी हम टाइल लगाएंगे और शायद कुछ ही दिनों में लग जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं क्या करते हैं।
किसको बुलाते हैं लगाने के लिए वो सब है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे रखेंगे, होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नई ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट।